नमस्कार, आज आपको हम सादे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग करना बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस ब्लाउज से लंबाई, इसकी पूरी नाप लेंगे। इसका क्या लंबाई है, क्या इसका अब सीने होने की लंबाई लेंगे, क्या क्या चीज़ इसमें ली जाएगी, सीना, कमर, तीरा, फिर आस्तीन की लंबाई, मोहरी की, फिर ब्लाउज़ की लंबाई, फिर गले की कटिंग का होता है। तो ये पहले हम लंबाई जो जो हम नाप लेते जाएंगे इसमें लिखते जाएंगे। देखिए, अब हम ब्लाउज़ की नाप लेते हैं। ब्लाउज़ की नाप क्या है, देखिए आप, ये 18 है। 18 का मतलब दुगना उसका 36 हो गया, 36 हो गया। ये मैंने लिख लिया 36, इसका सीना है 36। अब कमर पे आइए, कमर है 15, इसका डबल क्या हुआ, 30 इंच हुआ, ये मैंने लिख लिया। अब ब्लाउज़ का तीरा लेना, ब्लाउज़ कैसे आप पलट लीजिए, ब्लाउज़ को पलटने के बाद ऐसे आप रख लीजिए। ये देखिए, ये मैंने ब्लाउज़ का, ये ब्लाउज़ का तीरा, ब्लाउज़ का तीरा आया 13 इंच। अब हम आस्तीन की लंबाई लेंगे। ये देखिए आस्तीन है, यहाँ से रखिए आप। आस्तीन की लंबाई कितनी है, 6। फिर हम इसकी मोरी की नाप लेंगे। ये क्या है, ये है 5.5 इंच, ये हो गया 5.5 इंच। अब ब्लाउज की लंबाई लेंगे, ये देखिए, ये ऐसे करके आप ब्लाउज रख लीजिए। ये आप यहाँ से नापिए, ये ब्लाउज की लंबाई आपकी कितनी है, 15। गले की जब कटिंग करेंगे तो आपकी उसी हिसाब से 12/4 हिसाब से आती है गले की लंबाई। गले की लंबाई जब कटिंग करेंगे तो आपको गले की बताएंगे कि गला किस हिसाब से गला काटा जाएगा। अब चलिए हम कटिंग चालू करते हैं। ये देखिए, मैंने ये सादा पेपर ले लिया है, इस पेपर पे हम आप सादे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करने जा रहे हैं। अभी आपको हम करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैंने ये नाप लिया है, सीना 36 है, जिसका 1/4 9 हुआ, प्लस 2 11 इंच। कमर जो है 30 है, उसका 1/4 प्लस 1.5 इंच लेके 9 इंच हो गया। तीरा है 13, जो शोल्डर होता है ये 13 है, ये इसका 1/2 लेना है, 2 सूत और ले लेना, 2 सूत। आस्तीन की लंबाई 6 है, प्लस 2 करके 8 लेनी है। मोरी है 5.5 है, इसका प्लस 1 करके 6.5 लेनी है इंच। ब्लाउज की लंबाई 15 है, जिसमें 2 प्लस करके 17 इंच लेनी है। ये मैंने आपको ये बता दी। अब देखिए, इस पेपर पे हम ड्राफ्टिंग करते हैं इसी के आधार पे। ये देखिए, अब मैं 11 इंच मुझे सीना लेना है, ये मैंने 11 इंच मैंने ये सीना ले लिया। अब हम ब्लाउज़ की लंबाई देखते हैं, ब्लाउज़ की लंबाई है 15, उसमें प्लस 2 करके 17 आया, ये देखिए 17 आ गया 17। अब हम इसको ऐसे करके ये मोड़ देंगे, ये देखिए हमने इसको ऐसे करके ये मोड़, इसको आप ऐसे करके मोड़ दीजिए। फिर आप इसकी कटिंग करके ये अलग ले लीजिए। अब हम ब्लाउज की ड्राफ्टिंग इसमें हम ये तैयार हो गई, ये सीने का चौड़ाई तैयार हो गई और ये मेरा लंबाई ब्लाउज की तैयार हो गई। अब हम सबसे पहले शोल्डर तीरा जो मैंने नापा था वो 13 था, हम इसको लेंगे 6.5, हमने इसको 6.5 लिया। अब हम देखेंगे ये मोड़े जो निकलते हैं, आस्तीन निकाली जाती है, वो है, वो हम लेंगे, वैसे निकलती है सीने का 1/4 प्लस माइनस 1 इंच करके निकलती, परंतु हम उसको लेंगे 6.5 इंच। 36 वगैरह से जो ब्लाउज बनता 36 वगैरह, ये 6.5 इंच इसकी हम इसकी ये ले लेंगे। यहाँ से इसका हम ये हमने ये देखिए ये 6.5 इंच हमने इसको यहाँ से ले लिया। अब सीने की सीना जो है 36 है, 36 का 1/4 जो होता है वो हुआ 9 हुआ, इसमें प्लस 1 करके
टेन पे ले लिया। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर टेन पे निशाना लगा, ऐसे करके आप इसको ऐसे कर लीजिए। अब ये मेरा जो आएगा ये मेरा सिलाई में जाएगा। आप ये टेन गया, ये आप इतना यहाँ से ये ले लीजिए। ये देखिए ये आया आपका, ये ऐसे ऐसे करके ये डॉटिंग कर लीजिए। ये देखिए 11 आया है, इसको आप ऐसे करके ये देखिए इसको आप ये कर लीजिए। यहाँ से आपका डेढ़ इंच मुड़ेगा, डेढ़ इंच आपका ये जाएगा, ये देखिए आपका डेढ़ इंच। अब इसके बाद हम गले की डॉटिंग करते हैं। गले की डॉटिंग जो होती है वो वैसे सीने का 1/12 होता है, परंतु हम ऐसे करके आप 3.5 तक आप ले लीजिए। फिर गले का साइज होता, कोई बड़ा पहनता है, कोई छोटा करके पहनता है। हम 3.5 इंच पे गले पे ये निशान लगाएं। फिर गले की जो पीछे का बैक गला होता है वो करीब आप 6.5 इंच ले लीजिए। 6.5 इंच आपने बैक गला ले लिया, और आगे का थोड़ा छोटा होता है तो उसको हमने 6 ले लिया। ये देखिए ये आपका ये आपका ये गला ये बन गया, ये गले की डॉक्टिंग होती है। अब आप ये आपका तीरा है, ये देखिए ये 2 सूत ऐसे करके आप इसको 2 सूत। अब यहाँ पर आप आइए, इधर आप 1 इंच उठा के आप इसमें ऐसे करके ये कर लीजिए। ये डॉक्टिंग आपकी हो गई, एक जो है 1.5 इंच पे होती है। अब चलिए हम प्लेट डालते हैं, डट डालते हैं। डट सीने का 8/4 + 1 मतलब 10 पे आप निशान लगाए। फिर आप सामने से 3 इंच ले लीजिए, 3 इंच ये यहाँ आपकी डट पड़ेगी, इस जगह आप ये डट उठा के आप डट यहाँ से डाल लीजिए। देखिए ये डट पड़ेगी। अब 2 सूत ऊपर से लेके 2 सूत इधर से लेके आप ये डट इधर से डाल दीजिए। एक इधर से कर देंगे सामने से। अब यह आधा इंच लेके इससे साइड से ये आपकी एक डट ये पड़ेगी, एक डट आपकी ये देखिए ये आपकी पड़ेगी, एक ये एक आपकी यहाँ से पड़ेगी। अब इनमें ये करके ऐसे करके यहाँ से आपकी चौड़ाई होगी जब डट डालते समय। अब इन डट पे आप जो निशान आपने लगा रखे हैं ताकि आपको दूसरे बेस पे दोबारा ना करना पड़े, नाप ना करनी पड़े, तो आप इनको थोड़ा डार्क कर दीजिए ऐसे ऐसे के ऐसे ऐसे कर दीजिए। ऐसे करेंगे तो आपको उस वाले पेज पे आपको इसका निशान मिल जाएगा। देखिए ये पूरी डॉटिंग तैयार हो गई। अब हम देखिए आपको हम कटिंग करना बताते हैं, किसकी हम कटिंग कैसे करते हैं। चलिए हम आप इसकी कटिंग करते हैं। या यहाँ से आप ऐसे करके ये ध्यान रखिए ये 2 है जिसपे आप ऊपर से ऐसे करके ऐसे कटिंग करेंगे। ये कपड़ा आपकी पट्टी के काम आता है, जब आप डॉटिंग करेंगी तो इस कपड़े से आप पट्टी वगैरह लगाएंगे। सर तो देखिए एक बन गया। इसके 2 पीस तैयार। ये बैग पीछे का हो गया, ये आगे। अब इसमें आप सामने से इसको काट दीजिए। अब इसको आप ऐसे करके बराबर से रख के आप थोड़ा निशान इसके डार्क कर लीजिए।
मैंने डार्क निशान इसमें ऐसे ऐसे करके थोड़ा डार्क कर दिया, डार्क कर दिया तो देखिए ये सारे निशान आ गए। ये देखिए ये जो है तो देखिए ये देखिए सारे निशान आ गए। अब इन पर आप ऐसे ही करके ये खींच दीजिए, ये देखिए ये आ जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया, ये आपका बन गया आगे का पल्लू। और इसमें आप जिसको आगे के पल्ले में ये थोड़ा सा स्लिप जो है गहराई से काटी जाती है, ये आ गया, ये देखिए आपकी ये थोड़ा सा गहराई से काटती है, ये आपका ये पल्ले आपका तैयार। अब आप पीछे का हिस्सा आया, अब पीछे के हिस्से में आपने डट कितनी लिया है, डट की लंबाई आप देख लीजिए 7.5 है। अब इसको पहले ऐसे करके फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड करके आप इसका देखिए कटिंग कर लीजिए, थोड़ी सी कटिंग कर लीजिए। अब आप कितनी थी हमने नाप ली थी 7.5, देखिए यहाँ पर आप देखिए ऐसे करके फोल्ड कर लीजिए। अब आप इसको डार्क कर दीजिए, ऐसे करके डार्क कर दीजिए, देखिए ये निशान तैयार। अब आप दोनों पल्ले रख लीजिए ऐसे करके, इसमें ऐसे करके ये यहाँ से सिलाई जो है यहाँ से होगी, ये सिलाई होगी और ये नीचे का है इतना, ये नीचे 1.5 इंच हो जाए। अगर कपड़ा कम है आपके पास तो आप थोड़ा लेके कपड़ा दूसरा लगा के आप अंदर को मोड़ सकते हैं। ये देखिए ये आपका दोनों पीस तैयार। अब हम आस्तीन की डॉटिंग करते हैं। आस्तीन कैसे निकालेंगे, आस्तीन निकालना आपको बताते हैं। इन्हीं पट्टियों से जो आपका ये निकला हुआ कपड़ा है इसमें आप पट्टी भी निकाल सकती हैं, इसमें आप सामने पट्टी लगेगी, इसमें जो आप यहाँ पर एक बढ़ के लगती पट्टी, एक घट के लगती है, एक 1.5 इंच की लगती है, एक 2 इंच की लगती है, ये ध्यान रखिएगा आप। इससे आप 1.5 इंच 2 इंच की दो पट्टियाँ आप आराम से निकाल लीजिए, इसी की नाप की 1.5 इंच 2 इंच की दो पट्टी, एक निकलेगी 1.5 इंच की और एक निकलेगी 2 इंच। आप इससे नाप लीजिए इंची टेप से, इससे आप नाप लीजिए, एक दो भी आपको निकालनी है और एक आपकी 1.5 निकालनी है। देखिए ये दो पट्टी, ये एक पट्टी जो है बढ़ के लगती है और एक पट्टी घट के लगती है, आपकी पट्टी तैयार हो गई। देखिए ये और एक पट्टी तैयार हो गई आपकी, ये अभी हम आपको जब सिलाई करना इसका सिखाएंगे कैसे सिला जाएगा तब आपको कराना इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब आप गले की पट्टी निकालना है आपको, इससे आप गले की पट्टी निकाल लीजिएगा, ये आपकी तो ये गले की पट्टी इससे आप निकाल लीजिए। अब चलिए आस्तीन, आस्तीन निकाल, आस्तीन में क्या होता है कि ये जो इसकी चौड़ाई आस्तीन की जो चौड़ाई होती है, आस्तीन की चौड़ाई जो हमको रखनी पड़ती है वो हमें 7 इंच करीब होनी चाहिए, आस्तीन की चौड़ाई 7 इंच के करीब होनी चाहिए। ये देखिए इससे हम ये रखते हैं, इसकी चौड़ाई 7 इंच होनी चाहिए, 7 इंच। फिर हम लंबाई और प्लस 2 इंच, लंबाई हमारी कितनी थी आस्तीन की लंबाई 6 इंच थी, 6 2 8 8 इंच पे हमने इस पर निशान लगाया। ये देखिए 8 इंच पे हमने इस पर निशान लगाया, इसको हम ऐसे करके कट कर, इसकी चौड़ाई 7 7.5 तक इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब मोहरी की नाप क्या है 5.5 थी, 5.5 से हमने 5.5 ये देखिए हमने निशान लगा लिया 6.5 पे, 6.5 पे मैंने निशान लगा लिया। अब ये देखिए ये 1.5 इंच, 1.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लीजिए, यहाँ मैंने मोहरी का लगाया, ये देखिए यहाँ इतने, ये इसका आस्तीन का ये सेप बनेगा, ये देखिए ये इसमें ये हमको 1.5 इंच पे लगाना है, 1.5 इंच इस पर हमको 1.5 इंच रखना है, ये 1.5 इंच पे निशान लगा हुआ है। यहाँ से मोहरी करेंगे, इसको हमने ऐसे करके इसमें इसको मिला। चलिए अब इसकी कटिंग आस्तीन की कटिंग करते हैं, ये देखिए आप ऐसे करके इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए, ये देखिए आपकी आस्तीन तैयार हो गई।
अब इसमें आपको डेढ़ इंच मैंने बताया था कि ये डेढ़ इंच मुड़ जाएगी, अंदर को चली जाएगी डेढ़ इंच। ये देखिए ये हो गई। अब इसको क्या करेंगे, ये उल्टे हिस्से रहते हैं दोनों, अब देखिए ये अंदर दोनों सीधे, अंदर दोनों सीधे रहेंगे, आगे पीछे दोनों उल्टे रहेंगे, इधर भी उल्टा रहेगा इधर भी उल्टा रहेगा, ये सीधा रहेगा, ए बी सीधा ए बी सीधा। अब दोनों स्लिपों को आप ऐसे करके अपनी तरफ करके रख लीजिए, बीच का निशान बीच का ये इतना हिस्सा। अब इसमें क्या करेंगे आप, क्योंकि मैंने स्लिप में देखिए ये अंदर से कटिंग करी है ना आगे के पल्ले में, तो ये देखिए ये ऐसे करके थोड़ा सा गहराई दी जाएगी अपनी तरफ दोनों पल्ले करके, उल्टे उल्टी उल्टा ये रहेगा उल्टा ये रहेगा, बीच का दोनों सीधे रहेंगे, अपनी तरफ रख लीजिए। और आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये कटिंग आप कर लीजिए। ये देखिए आपका, ये देखिए ये तैयार, ये देखिए आपका तैयार होगा। जो कटिंग आप गहराई से करा, ये गहराई की तरफ से ये आस्तीन जब जोड़ी जाएगी तो इसी तरफ से ये आस्तीन इसी तरफ रहेगी, ये बैक में जाएगी। अब इसके बाद हम आपको इसमें ये सिखाएंगे, बताएंगे आपको कि ये सिला कैसे जाएगा। अब सिलाई बता रहे हैं, सिलाई सिखाने जा रहे हैं। देखिए ये कटिंग तो कंप्लीट हो गई, हम आपको सिलाई बताना चाहते थे, उसके पहले हमने आपको ये गले की पट्टी निकालना, जो पाइपिंग पट्टी निकलती है, तो देखिए ये हमने गले का कटिंग से इसको निकाला है, चौकोर ये बिल्कुल चौकोर पट्टी निकलती है, इसको ऐसे करके आप ऐसे करके पट्टी, और ये भी पट्टी लगती है, और ये भी पट्टी लगाई जाती है। देखिए एक डेढ़ इंच की पट्टी ऐसे ऐसे करके आप ऐसे बना लीजिए, ये देखिए ये आपकी, ये देखिए ये आपकी, और ये भी पट्टी आपकी लगेगी गले में। आप इसको ऐसे करके काट के सारे पट्ट अलग कर लीजिए पूरा टोटल, ये आपका ये पट्टियाँ आपकी गले की तैयार होंगी। ये देखिए अब आपको हम इसकी सिलाई बताने जा रहे हैं, ये देखिए ये कैसे आप इसको सिलेंगी। सबसे पहले आप ब्लाउज के ये दोनों, ये देखिए ये आप ले लीजिए, इसमें सबसे पहले आप डट डालेंगे, आप सारी डटे डाल दीजिए, डटे ध्यान रखिए कि ऐसे करके यहाँ से चौड़ाई से जाके ऐसे करके डट डाली जाएगी। आपने ये डट डाल ली, फिर आपने बैग ले लीजिए, बैग ले लीजिए, बैग में गला थोड़ा बढ़ाना था, गला जो है आगे का गला था, इसमें थोड़ा सा आगे से थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, ये देखिए इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये बैग है। आपने इसकी डट डाल ली, फिर आप ये डट डाल लीजिए, ये दोनों डटे आप डाल लीजिए। डटे डालने के बाद आपका ये डट पड़ जाएंगे, डट पड़ने के बाद आप इन मोड़ा डट डालने के बाद आप इन पे आप इनको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका ब्लाउज ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ये साइड ये सिलिए, आप ये दोनों तरफ डेढ़ डेढ़ इंच का जो मैंने मार्जिन दी है इसको आपको सिलना है। सिलने के बाद चाहे तो आप इसको पहले मोड़ लीजिए, या आप सिलने के बाद डायरेक्ट बाद में मोड़िए इसको, ये आपका तैयार हो गया। देखिए फिर आप ये जो मैंने पट्टी काटी थी, ये एक मैंने दो काटी थी, एक मैंने डेढ़ की काटी थी, फिर आप ये पट्टी जो है ये आप बड़ी वाली जो है इधर लगाएंगे दो इंच वाली, ऐसे करके आप मोड़ के, और ये बड़ी हुई पट्टी ये आपकी ऐसे लग जाएगी। फिर आप ये पट्टी लगाएंगी ये डेढ़ इंच वाली, इसको यहाँ से ऐसे करके सिल लीजिए, और ये पट्टी पूरी यहाँ से जाके ये तुरपाई होगी, इस पर मोड़ दी जाएगी, ये आपका तैयार हो गया, ये आपका तैयार होगा। फिर आप इसके बाद स्लिप इसको आप लगाना है, ये लगाने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप, कोई लोग सीधे ऐसे लगा देते हैं ऐसे करके, आप ऐसे करके लगा लीजिए, या आप इसको आप सिल लीजिए। पहले आपने इसको उल्टी करके सिल लिया, सिलने के बाद आप इसको यहाँ से वो करके मोड़ के ये आप सिल लीजिए ये, फिर इसको आप सीधी कर लीजिए। सीधी करने में देखिए ये ब्लाउज आपको हमने दिखा रहे हैं, ये देखिए ये सिलाई इसकी है, ये ब्लाउज आप जब ऐसे करके इसके दोनों छोर यहाँ ले लीजिए ये ऐसे करके, और आप ये भी लगा सकती हैं इस तरीके से, आप दोनों छोर करके ऐसे करके आप सिलती चली जाइए। ऐसे भी एक लगेगा तरीका, और एक चाहे तो आप ऐसे करके भी लगा सकती हैं, आप ऐसे करके क्योंकि ये इधर ही रहेगा आगे पश्चिम, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे करके ये आपकी पट्टी आपकी स्लिप लग गई, स्लिप लग जाएगी। फिर उसके बाद आप ये साइड जुड़ जाएंगे, फिर उसके बाद इसको आप ऐसे करके मोड़ के रख लीजिए, ये पट्टी लग गई, फिर गले की पट्टी लगेगी। गले की पट्टी में आप एक बार ध्यान रखिएगा कि गले की पट्टियाँ जो आप कटिंग करेंगी उन पट्टियों को आप ऐसे करके जोड़ेंगी, देखिए ऐसे करके ऐसे यहाँ आप सिलाई करेंगी, इस तरह करके आप इस तरह पाइए तो इसको
ऐसे करके ऐसे सिलाई करी जाएगी। ये और भी पट्टी पाइपिंग पट्टी बनती जो गले में लगती है, ऐसे सिलाई होगी। जब ये पट्टी पूरी तैयार हो जाए आपकी, तो पट्टी को थोड़ा खींच दीजिए, हल्का सा उसको खिंचाओ, हल्की सी खींच दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाई जाती है। फिर जब आपकी पूरी पट्टी तैयार हो जाए, तो जब आप ऐसे करिए, इसको सामने से एक काट दीजिए। काटने के बाद आप इसको ऐसे मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद आप यहाँ से ऐसे करके ऐसे पट्टी को थोड़ा खींच लीजिए, खींच दीजिए। खींचने के बाद आप यहाँ से पट्टी लगाना चालू कर दीजिए। आपकी वो पट्टियाँ लग चुकी हैं। सबसे लास्ट में गले की पट्टी लगती है। अब देखिए, इस जगह से आप यहाँ से रखेंगी, ऐसे रखेंगी, यहाँ से आप सिलाई चालू करेंगी। इस जगह से आप ऐसे करके ये दो दो सूत की सिलाई ऐसे करके सिलाई चालू करेंगी। जब सिलाई आप कर लेंगे, फिर उसके बाद पाइपिंग पट्टी लगेगी। फिर आप इसमें पाइपिंग पट्टी ऐसे करके ये फिर इसमें तुरपाई होगी। ये देखिए, ये पाइपिंग पट्टी लग के ऐसे करके फिर तुरपाई करी जाएगी। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, हम अगले वीडियो में आपको तुरपाई करना बताएंगे, आप किस तरह तुरपाई करी जाती है। फिर आप हुक यहाँ लगेंगे, हुक लगाना भी आपको बताएंगे। आप मेरा ऐसे ही आपका सहयोग रहेगा, हमारा वीडियो देखते रहिए, हम आपको तुरपाई करना भी बताएंगे और हुक लगाना भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो आप लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।